इंडिया में इंटरव्यूज हो रहे हैं वो उससे फोन कर रहे कह रहे कि मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्या हुआ उतने मीडिया वालों ने मेरी बीबी को घेर लिया, छोड़ नहीं रहे, मुंबई छोड़ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं ऐसा मत करो, बोलते मेरी बीबी लापता है करके। और नहीं वो बहुत अच्छे हैं। देखिए अभी तो स्टार्टिंग है, देखिए शादी एक वो चीज है ना कि एडजस्ट करना पड़ता है। मैं पूरा एडजस्ट कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और मैं ईश्वर में बिलीव करती हूँ कि एक ही हस्बैंड के साथ रहना है, सारी जिंदगी उनके साथ ही गुजारना है एक भारतीय नारी होकर। और मैं उनको अच्छा अच्छा खाना, टिकटॉक की मैं बात करना चाहती हूँ कि टिकटॉक पे से मैं खाना बनाना सीखी हूँ। कोई छाप लगा रहा है, कोई रोटी बना रहा है, कोई अंडे का सालन, पता नहीं क्या 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 चिकन बना रहा है। बिकॉज मुझे पता है कि एक बार राकेश जी हमारे घर आए, उन्होंने मटन बनाया, कुकर ही फट गया था। 6 घंटे लगे थे मटन बनाने में, कुकर फट गया था लिटरली, और मटन के टुकड़े पता नहीं कहाँ कहाँ थे। टिकटॉक से मैं खाना बनाना सीखी हूँ, अब मेरे हस्बैंड मेरे ससुराल वाले खुश है। एक चीज जानना चाहिए, आप यहाँ नहीं थी, ईशान दीदी हमेशा आपके बारे में कुछ ना कुछ बताते, कोई ऐसी न्यूज जो आपने सुनी और आपको मजा आया सुन के, या कुछ हंसी की टोली आपकी सुनी ऐसी बात अपने फील्ड। नहीं मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब मैं नहीं हूँ तो मेरे मैं आप मेरे बारे में कोई भी गॉसिप या मेरे बारे में कुछ भी ईशान प्रीति को पूछ सकते हैं, बिकॉज ये लोग मुझे हमेशा कॉल करते हैं और सब पूछते रहते हैं, तो इनको मैं सब बताती रहती हूँ मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ। और अच्छा लगता है कि ये लोग, इनका ये था कि मैं बर्थडे पे 2 पीस पहनूं। कोई अपने बर्थडे पे 2 पीस पहनता है क्या? हाँ पूल पार्टी करे तो हो सकता है। अच्छा लास्ट जहाँ भी आप होती हैं राखी, बिग बॉस की बात कहीं ना कहीं आ जाती है, क्या कहेंगी? सभी से जानना चाहूंगी बिग बॉस में क्या लग रहा है, क्या हीट हो सकता है और क्या वीक है थोड़ा सा इस बार के सीजन में। इस बार बहुत ही लड़ रहे हैं ये लोग, एंटरटेनमेंट कम दे रहे हैं, लड़ बहुत रहे हैं। सिद्धार्थ है ही नहीं। हम लोग का बिग बॉस देखे तो बहुत एंटरटेनमेंट था। हाँ बहुत लड़ रहे हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लड़ना क्यों है? वैसे भी हर घर में महाभारत तो होती है जी। तो कुछ एंटरटेन करे, मुझे क्रिएटिव डायरेक्टर ले, और ये मेरे मैं कहती हूँ दीपक कलार को बिग बॉस में डाले, ईशान प्रीति को बिग बॉस में डाले, ये लोग कुछ कामा सूत्रा करें। हाँ ये लोग जाके अलग अलग कामा सूत्रा, जब ये लोग करण जोहर को सेक्स करना सिखा सकते हैं कामा सूत्रा के पोज, तो ये किसी को भी सिखा सकते हैं, इनको सारे पोज आते हैं। हाँ इन दोनों को। ईशान आपसे जानना चाहेंगे बिग बॉस के घर की बात होती है तो आपको क्या लगता है इस सीजन में कौन स्ट्रांग है कौन वीक है? सिद्धार्थ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सिद्धार्थ स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। एंड अभी जो है कि आसिम अपनी बहुत गंदी गेम खेल रहा है। अगर आपने किसी को अपना दोस्त माना है बिग बॉस के घर के अंदर, तो आप ऐसा इतनी बड़ी पलटी नहीं मार सकते जो कि आसिम ने अचानक से मारी है। तो आप मुझे एक बार बिग बॉस में छोड़ दो, छू बोल के बिग बॉस, वी रियली वांट राखी इन द हाउस, या क्योंकि शेफाली बहुत गंद मचा रही है अंदर, इसने पूरा घर तोड़ दिया है। हाँ ये बाहर भी घर तोड़ती थी, अभी अंदर जाके भी घर तोड़ रही है। शेफाली हम तुमको सिखाएंगे घर कैसे जोड़ा जाता है, ना कि कांटा लगाया जाता है। हाँ सर तुम्हारा में इतने कांटे लग गए कि सब में जाके तुम कांटा चुभो रही हो। कांटा लगा, इसके सारे कांटे निकालूंगी मैं। अच्छा दीदी आपसे भी जानना चाहूंगी, घर के अंदर आपने अगर नोटिस किया हुआ है शिवाली के बारे में कमेंट किया, और कोई ऐसा जो आपको लगता है वीक है और स्ट्रॉन्ग पड़ सकता है आने वाले? नहीं एक्चुअली मुझे ऐसा लगता था रश्मि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर वो अब मुझे कहीं दिख नहीं रही, सीरियसली बिहेव लाइक अ स्नेल, वो इतना स्लो हो गई क्योंकि जनता ने भी उनको स्लो का ही वोट दिया है। और शिवाली का उसके तरीके से देखे तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेम खेल रही है, उसने एक सेकंड में आके पूरे घर को ऐसा तोड़ दिया है, उसने सिद्धार्थ को टक्कर दिया लिटरली। अभी सिद्धार्थ भी कांप रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। बट एक जो स्टेटमेंट दिया था शेफाली ने कि सना को कि आप पंजाब की राखी सावंत लगते हैं ना कि कटरीना कैफ, सो व्हाट डस शी मीन बाय दिस, राखी सावंत का एक अपना एक अलग लेवल पे नाम है। अरे तुम देखो ना, जब कहते हैं ना जब हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो इसलिए जब राखी सावंत निकलती है तो शेफाली जरी वाला कांटा वाला चांटा वाला चप्पल वाला जूता वाला भौंकती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि शेफाली ने आई थिंक एक ही सॉन्ग किया है कांटा लगा, और राखी जी मतलब 100 क्रॉस कर चुके हैं सॉन्ग में, तो आई थिंक देयर इज नो कंपेयर। शेफाली यू कांट कंपेयर मी, शेफाली यू कांट कंपेयर मी बिकॉज आई हैव डन मोर देन 100 सॉन्ग्स। परदेसिया तू कितने देखता है, तू क्या यशराज बैनर में राखी सावंत पहुंची है बताओ, रानी मुखर्जी के साथ कितने इतने बड़े बड़े बैनर किए हैं, तुमने क्या किया है क्रेजी फोर में, तुमने क्या किया शेफाली, तुमने सिर्फ कांटा लगा चांटा लगा ही किया तुमने और कुछ नहीं किया, और दूसरों के घर तोड़ती हो, सो यू डोंट टेक माय नेम प्लीज। अगर मैं बिग बॉस में आई तो तुम्हारी बची कुची फटी हुई पैंट भी फाड़ दूंगी, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी, और उसका पाया कितनी डेटे हैं, हम जो
तो नहीं बोल रहे थे कि तुमने आज की डेट मांगी थी, बट आज मेरे भाई का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था ना, ये देखो ये मत कर, इधर आओ ना, देखो ना डेट ही देखो क्या मांगी है, 22nd, आज 22nd है, लेकिन हमारे पति ने मना कर दिया। अभी उनको ने पर पता, उनको अभी पता चल गया होगा ना कि राखी यहाँ पर इंडिया में है, इसीलिए सलमान खान ने कहा था ना कि अपने पति को लेकर आओ बिग बॉस में, तो फिर वीकेंड का बार आप हर सीजन में जाते हो। स्टार्टिंग में कहा था कि अपने हस्बैंड के साथ अंदर, मेरे हस्बैंड, हम मेरे हस्बैंड ने बोला कितना भी पैसा देंगे तो हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन अभी आप दिखाई दोगे, फिर आप अकेले आओगे, अकेले यू विल बी, अकेले आप जाओगे बिग बॉस, बिग बॉस में डालते हैं तो इच्छा जाहिर की आपने अकेले रामदेव बाबा को, क्या हिलाते अच्छा पेट, बोले पेट ही हिलाते हिलाना जरूरी है। What I have to say about this red dress, what you worn, looking very nice, looking very beautiful. क्या कहोगे? बहुत अच्छी कारी को याद, मेरे पति मुझे याद कर रहा है। Red dress? Yes. हाँ, जब हम NRI से शादी करते हैं तो हम वहाँ के दिखने लगते हैं बहुत ही स्टाइलिश, यहाँ पे मुझे किसी ने अच्छे कपड़े नहीं दिए तो मैं एकदम स्टाइलिश, देखो प्रियंका चोपड़ा भी तो ऐसे दिखती है, एकदम स्टाइलिश, एकदम मेम, मेम की तरह। बॉलीवुड आपको खुले खुले कपड़े दिए, पति ने आपको ढके हुए कपड़े दिए? तो ढके में अच्छे लगते हैं कि खुले में? आप दोनों में, दोनों में, दोनों में। मेरे पति तो कहते हैं मैं खुले में ज़्यादा अच्छा, तो सिर्फ पति को, सबके लिए नहीं बोलते होंगे सबको खुले में, वो तो इनको चाहिए। वैसे क्या दो चीजें बस इतनी रहना चाहिए और सब खुला रहे चलता है, वो दो क्या चीजें? अरे उनका भी कोई पता है, वो टू पीस पहनते हैं ना लंदन में, क्या बोले जबरदस्त। अभी मैं पूरा एकदम प्रेम का छोटा टाइप एकदम मेरा वाइज, आजकल मैं बात करूँ सब मुझे फॉलो कर रहे हैं बॉलीवुड में, बोलो कैसे, मैंने एक सिंदूर लगा दिया, प्रियंका चोपड़ा ने लगा दिया, विपाशा ने लगा दिया सिंदूर, विराट की बीवी कौन है अनुष्का ने लगा दिया, आजकल सिंदूर सिंदूर बहुत चल रहा है भैया, सब हमको बहुत कॉपी कर रहे हैं, क्या है पहले पहले कुछ अपना भी करो जी, तुम्हें ठीक कहा, तो उनका उनका नाम बताइए ना, क्या उनका नाम? रितेश। एंड व्हाट्स योर, व्हाट इज योर नेम? रिक। रिक, मैं उनको प्यार से, देखो रिक को चोपड़ा का हस्बैंड का नाम है निक और मेरे हस्बैंड का नाम है रिक, मैं रितेश है तो मैं उसको प्यार से रिक बुलाती हूं, रिक गाड़ी रिक्शा, नहीं नहीं करेक्ट, रितेश क्या मतलब नाम अभी आपका राखी सर ने, बाकी तुम लोग गूगल में ढूंढ लो, लोग तो ढूंढ ही लेंगे। अरे लंदन में राखी, लंदन में आपके कितने फैंस होंगे, आपको भी मिलते होंगे वहाँ पर? लंदन में दो ही चीज फेमस है, एक वहाँ की क्वीन और मैं राखी सावंत। That's it. तो वहाँ पर भी आपके फैंस तो होंगे, अब जहाँ पर जाते हो बहुत फैंस है, गली गली कुछी कुछी में फैंस है मेरे, तो जब मिलते हैं तो क्या मेरे नाम के फैंस लगे हुए वहाँ, राखी फैंस क्यों नहीं हो सकते, बट वहाँ पर उनको राखी नहीं बुलाते थे, रॉकी बोलते, रॉकी फैंस होते रॉकी। सुजाता जी हैं, इन्होंने स्कूल में बहुत अच्छा रोल किया, उनका रोल प्रतिघात, वी नो देन, या आई नो, मैंने आई नो मतलब इनका रोल ऑफर किया गया था, ये इतने दुष्ट है प्रतिघात, देखो इतनी बात देखी,
नहीं नहीं बट इट वाज सच अ गुड मूवी एट दैट टाइम एक्चुअली वो ऐसे मूवी कोई बनी भी नहीं हां तो फिर वही ना तो आई एम अप्रिशिएटिंग रियली प्रतिगा वेरी गुड एट दैट टाइम उस टाइम फिर अभी अभी तो उसके बाद वो सब फिल्में बनी लगी होगी बेस्ट वेरी गुड सरकार वो इट